वेलकम व्यूअर्स, कल के पार्ट में हमने ऑलरेडी देख लिया है, एक्चुअली जो पार्ट वन था कि हमने इस रेफ्रिजरेटर का फर्स्ट जो एक्सटीरियर पार्ट है वो डेकोरेट कर दिया है। सो लेट्स मूव अहेड। हेलो फ्रेंड्स, तो कल हम ऑलरेडी इतना कर चुके हैं, आज मैं इसके अंदर, इस फ्रिज के अंदर को थोड़ा सा डेकोरेट करने जा रही हूँ। और सो देखते हैं क्या है मेरे पास। सबसे पहले मुझे कि जो सबसे पहली चीज़ है, जो ये फ्रिज की एक लॉन्गर साइड है, इसके लिए इसको ये मैंने एक स्टॉप किलिंग ओजोन पर एक पोस्टर बनाया था। और इसी तरीके से कुछ और पेंटिंग्स हैं मेरे पास, ये मधुबनी की पेंटिंग है, ये सारी हमने अपने कोर्स वर्क में बनाई थी। देन अगेन ये एक ऑयल पेस्टल में बहुत प्यारा सा डॉग है। और ये मेरी एक्रिलिक्स में आई थिंक इस दुनिया की सबसे पहली कारपेट, पजारिक कारपेट फ्रॉम साइबेरिया, ये मैंने ड्रॉ की थी। तो इसी बहाने ये सारे इस फ्रिज में मुझे दिखते रहेंगे बार बार। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक ये अगेन एक्रिलिक्स में चाइनीज फैन और कुछ दूसरी ऑयल पेस्टल्स पेंटिंग है। ये वो स्केचेस हैं जो मैंने एक टाइम पे अपने निफ्ट के पोर्टफोलियो के लिए प्रिपेयर किए थे, और भी हैं ऊपर। अभी मैं इनको जैसे भी हो पाता है इस फ्रिज में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये एक जो लेडी है उसको तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है बेस ने। अब बारी आती है इस ट्रे की, जो ऑलरेडी थोड़ी सी इसने क्रैक भी है। कोशिश करती हूँ कि इन इमेजेस के साथ ही इसको डेकोरेट कर सकूँ। ये एक वाटर कलर पेंटिंग है, वाटर कलर प्लस पोस्टर कलर्स, अपने कॉलेज के लिए मैंने बनाई थी कि हमारा जो एंट्रेंस है वो कैसा लग सकता है जब उस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो एंड आई लाइक इट वेरी मच। इसी यहाँ पे फ्रंट में मैं पेस्ट करना चाहूँगी ताकि मैं इसे देखती रहूँ। पर यहाँ पे बॉक्स है, दिस रेगुलेटर बॉक्स, मैं इसको हटाना तो चाहती हूँ यहाँ पे, पर ये बहुत ही अचरज की बात है कि ये फ्रिज अभी भी वर्किंग है। तो मे बी देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसका। ओके, तो मैं इसको नहीं हटा रही हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि किसी तरीके से ये पेंटिंग इसके ऊपर फिक्स हो सके। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया था कि मैं इन फीलिंग्स को तो लगाना भूल ही गई, और अभी इससे पहले कि थोड़ा और डिस्टॉर्शन होता इनको मैंने फिक्स कर दिया है यहाँ पे। तो अब देखते हैं इनके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि मैं इसको अपनी जो आर्ट का सामान है, जैसे कलर्स हैं, इन्हीं चीज़ों को रखने के लिए यूज़ करना चाह रही हूँ। तो ये शेल्व्स मुझे काफ़ी हेल्प करेंगी उसमें, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको स्टोर करने के लिए। ये देखिए, फाइनली ये जो पेंटिंग थी इसको मैंने इस ट्रे पे लगा पेस्ट कर दिया है, क्योंकि अब ये ज़्यादा बेटर और सामने से दिखेगी मुझे।
उसी के साथ इसके अंदर वाले पार्ट में एक ये आर्मी पेंटिंग थी 2015 की, इसको मैंने लगाया है। ये भी मुझे बहुत पसंद है तो इसको भी मैं हर वक्त देख सकती हूँ। ये मेरे पास एक कैंग्रू है, ये भी मेरे अंडर ग्रेजुएशन का ही एक पार्ट है। और आई थिंक ये यहाँ पर बेस्ट लगेगा। ये एक पेंटिंग है मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए बनाई थी, जैसे कि एक चेस्ट या एक कपबोर्ड में से हमारे सारे ड्रीम्स और सब कुछ बाहर आ रहा है। तो मुझे लगता है इसे रखे रहने से बेहतर है इसे भी मैं यूज़ ही कर लूँ। और यहाँ पे इस बेस वाले स्पेस पे ये अच्छा लगेगा, जिसे फोल्ड किया जा सकता है। फाइनली ये इसके बेस में रख के ऐसा लग रहा है, और तो इसके ऊपर ट्रे आ जाएगी पर उससे तो ये सिर्फ हाफ ही कवर होगा, फिर भी काफ़ी ये दिखेगा। फाइनली ये कुछ पेंटिंग्स एक्चुअली जो बड़े स्केल पे पेंटिंग्स की गई थी उनकी कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास, तो इनको मैं यहाँ पे जो लास्ट साइड्स बची हैं यहाँ पे लगाती हूँ। इसके बाद ये जो नीचे रस्टेड पार्ट है इसको कवर करना होगा। ये हो गया, एक साइड पे ये एक्चुअल वाली पेंटिंग आ गई है, और दूसरी साइड पे यहाँ पे एक जो म्यूरल बनाया था मैंने उसकी पेंटिंग। ऊपर के पार्ट में आते हैं जो इसका इसकी सरफेस है फ्रिज की, ये देखिए कितनी बुरी तरीके से इसमें रस्टिंग हो रखी है। वैसे तो मुझे अभी नीचे का भी काफ़ी रहता है, मुझे बार बार इसे देख के मन कर रहा है, तो अभी इस डाउट में हूँ कि इसको भी थोड़ा सा कलरफुल रखूँ या फिर इसको प्लेन सरफेस दूँ, तो वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद इसके ऊपर कोई भी आर्टिफैक्ट या कोई छोटा सा पॉट इस तरीके का मैं रख सकती हूँ डेकोरेटिव पर्पज से। सो लेट्स सी, देखिए यहाँ पे फाइनली मैंने हाफ पार्ट में वाइट शीट पेस्ट कर दी है और बाकी में अपनी मधुबनी की पेंटिंग। सो ये इसका जो ऊपर का पोर्शन है वो कवर हो गया, ये साइड भी बची है यहाँ पे हम टेपिंग कर लेंगे। इसी के साथ ये जो कॉर्नर्स हैं इसको भी पेस्ट करती हूँ अभी। और प्लीज़ सी कि ये जो शीट्स हैं मैंने कोई भी फ्रेश शीट्स इसमें वेस्ट नहीं किया है, जो भी मेरी पुरानी जो वेस्ट पेंटिंग्स थी उन्हीं का जो बैक साइड है उसको यूज़ करने की कोशिश की है जहाँ पे भी पॉसिबल हुआ है। आज के लिए तो फाइनली इतना कुछ हो चुका है, मेरे सारे जो टेप्स हैं और ग्लू वगैरह ख़त्म हो गया है। सो आज मुझे नया लेना पड़ेगा, जिसके लिए आज का दिन भी पूरा हो चुका है, तो अब बचा हुआ मैं कल करूँगी। दैट्स इट, टाटा। फाइनली नया समय जो कि सिर्फ ये टेप्स हैं, क्योंकि इनके सिवा तो कुछ मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी बाहर से लाने की, ये आ चुका है। अब मैं इनको ज़रा सा पेस्ट करना शुरू करती हूँ।
Yeah.